आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के 9 पैरा एसएफ के जाबाज कमांडो अशोक चक्र विजेता पैरा ट्रूपर संजोग छेत्री के बारे में, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था। पैरा ट्रूपर संजोग छेत्री का जन्म 26 जून 1982 को सिक्किम के बुमटार में एक हिंदू छेत्री परिवार में हुआ था। छेत्री ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उन्हें और उनकी बहन संगीता को उनके चाचा ने पाला था। संजोग छेत्री ने 19 साल की उम्र में 31 मार्च 2001 को 9 पैरा एसएफ में शामिल हुए थे। 22 अप्रैल 2003 को उन्होंने ऑपरेशन सर्पविनाश के तहत जम्मू और कश्मीर के हिलकाका में आतंकवादी स्थान पर ऑपरेशन करने में 20 कमांडो की एक टीम का हिस्सा थे। कमांडो आतंकवादी के ठिकाने पर पहुंचे और भारी स्वचालित गोलीबारी का सामना किया। अपने साथी सैनिकों के लिए खतरे को भांपते हुए संजोग ने 100 गज रेंग कर भाड़ की ठिकाने पर हमला किया और एक आतंकवादी को मार गिराया। बंदूक की गोली के घावों और अत्यधिक घायल होने के बावजूद छेत्री ने एक और आतंकवादी को मार गिराया। उनके इस अदम्य साहस से प्रेरित होके उनकी टीम बाकी आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन इस ऑपरेशन में छेत्री अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। इस ऑपरेशन में उनके अदम्य साहस, असामान्य वीरता और देश की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की बलिदान के लिए उनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनके बहन संगीता ने 2004 के प्रजातंत्र दिवस में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से अशोक चक्र ग्रहण किया।